मार्स हमारे सौरमंडल में मौजूद ये चौथा प्लैनेट है जो कि हमारे सन का चक्कर लगाता है। हमारे सौरमंडल में मौजूद ये चौथा प्लैनेट बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि इसका सरफेस का सतह पूरी तरह से लाल कलर से ढका हुआ है और कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इसके पीछे का रीज़न इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मौजूद होने के कारण इसका जो सरफेस है वो लाल कलर से ढका हुआ है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये प्लैनेट सच में बहुत ही ज़्यादा खास है, इसके पीछे भी साइंटिस्ट कुछ चीज़ें बताते हैं। असल में कुछ साइंटिस्ट ये बताते हैं कि पहले यानी पास्ट में यहाँ पे लाइफ हुआ करता था और यहाँ पे बिल्कुल हमारे अर्थ की तरह ही लाइफ सस्टेन करने की क्षमता होती थी। तो इसी क्यूरियोसिटी को जानने के लिए कि क्या ये सच में है, नासा जैसे बड़े कंपनी ने भी बहुत से मार्स मिशंस किए। नासा ने तकरीबन 36 मिशंस किए जिनमें से केवल 26 मिशन ही सक्सेसफुली इस मार्स पे लैंड कर पाए और अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाए। तो इस डेटा से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्स की सतह बहुत ही ज़्यादा एडवर्स क्लाइमेट को झेलती है। ये सारे मिशंस अनमैन्ड मिशंस किए गए थे, यानी कि इनमें किसी भी मिशंस में इंसानों का यूज़ नहीं किया गया था। मतलब जितनी भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई हैं वो सारे इन्हीं रोबोटिक मिशंस के चलते ही हमको मिल पाई हैं। तो जो भी ये रोवर्स फोटोग्राफ्स के चलते इमेजेस भेजते थे उसे पहले साइंटिस्ट एनालिसिस करते थे और इन्हीं एनालिसिस के चलते ये इस मार्स को समझ पाए हैं। बट मे भी आने वाले फ्यूचर में ये ह्यूमन मिशंस को परफॉर्म करेंगे। मार्स को समझने के लिए नासा आने वाले सालों में यानी कि 2020 में मार्स 2020 रोवर को जजीरो क्रेटर नाम की जगह पे भेजने वाला है। ये जो जजीरो क्रेटर है वो मार्स की सतह पे स्थित है और यही जजीरो क्रेटर इसकी एक्सप्लोरेशन जोन है, यानी कि यहीं पे ये लैंडिंग करेगा। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि यार इसे अभी 2019 में ही लॉन्च क्यों नहीं किया जा रहा है। तो वेल, इसके पीछे बहुत से रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको मेन रीजंस ही बताने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ही जानना ज़रूरी है। क्योंकि इस स्पेस मिशन को लॉन्च करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि हमारे स्पेस में मौजूद एस्ट्रॉइड्स का। हमारे स्पेस में मौजूद ये एस्ट्रॉइड्स टकराने का खतरा बना रहता है, इसीलिए साइंटिस्ट इसका पहले ध्यान रखते हैं और वो कुछ कैलकुलेशंस के चलते ये चेक करते हैं कि इसका पाथ क्लीन है या फिर नहीं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी जो प्लैनेट्स हैं वो एक इलेप्टिकल यानी कि ओवल शेप में हमारे सन का चक्कर लगाते हैं और हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ये दोनों प्लैनेट्स डिफरेंट स्पीड से सन का चक्कर लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें ये दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा पास आ जाएंगे और यही वो वक्त होगा जिस समय इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। और इस मिशन को ऐसे लॉन्च किया जाएगा कि ये जो है वो कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करे, क्योंकि अगर ये कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो इसे कम से कम फ्यूल का यूज़ करना होगा और ये अच्छे से ट्रैवल कर पाएगा। तो साइंटिस्ट ने कुछ कैलकुलेशंस के चलते ये पता किया है कि साल जुलाई 2020 में इस मिशन को लॉन्च करा जाएगा, क्योंकि जुलाई 2020 एक ऐसा वक्त होगा जिस समय हमारा जो अर्थ है वो मार्स के एकदम पास आ जाएगा। और इसका बजट को कम से कम रखने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ टेक्निक का यूज़ किया है, जैसे उसने पहले से इस्तेमाल किए गए क्यूरियोसिटी रोवर का सिस्टम को यूज़ किया है और उसमें लैंडिंग सिस्टम को भी इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं इसे आसान भाषा में बोलूं तो पहले से ऑलरेडी टेस्टेड टेक्नोलॉजीज़ को साइंटिस्ट इस बार यूज़ करने वाला है ताकि कम से कम बजट का यूज़ कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी टेस्टेड टेक्नोलॉजीज़ में बहुत ही कम खतरा होता है मिशंस का फेल होने में, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो पहले से ही रोवर में यूज़ किए गए हैं और ये जो रोवर में यूज़ किए गए टेक्नोलॉजीज़ पहले से ही सक्सेसफुल हो चुके हैं, देन ऑब्वियसली अगर हम इसे अभी भी उसी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे तो ये मिशंस फेल हो ही नहीं पाएंगे। अगर आप नासा के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करोगे देन आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे एक लाइव काउंटिंग हो रहा है और इस लाइव काउंटिंग में ये बताया जा रहा है कि कब ये मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो फिलहाल अभी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो कि सिर्फ 411 दिन ही बचे हुए हैं, मतलब इतने दिनों के बाद इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। और इस मिशन के पीछे बहुत से ऑब्जेक्टिव्स मौजूद हैं जो कि ये एक्सप्लोरेशन के तौर पर खोज करने वाला है, जैसे कि वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं या फिर नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्स में पहले लाइफ हुआ करता था, तो इसी का चेक करने के लिए ये मार्स 2020 रोवर स्टडी करने वाला है। वो वहाँ का जियोलॉजिकल कंडीशन क्लाइमेट को स्टडी करने वाला है, इतना ही नहीं वो वहाँ के सीजन्स को भी अच्छे से स्टडी करने वाला है। और वो सीजन्स की पढ़ाई इसीलिए कर रहा है ताकि हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर पाए मार्स मिशन के लिए या फिर हम वहाँ पर कैसे सर्वाइव कर पाए, इसका वो अच्छे से स्टडी करने वाला है।
वो वहाँ पे O2 यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी परसेंटेज में मौजूद है उसे अच्छे से स्टडी करने वाला है। एंड और भी बहुत से एडवांस चीज़ें का यूज़ करके ये जो है वो मार्स में बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करने वाला है। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट में ये मार्स का ड्रिलिंग करेगा, सो इसके लिए इसमें एक ड्रिलिंग सिस्टम भी मौजूद होना चाहिए। तो इसीलिए नासा इसमें एक ड्रिलिंग सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, जिसके चलते ये जो भी सैंपल्स को कलेक्ट करेगा उसे वो हमारे अर्थ में सेंड करेगा। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि ये मार्स से हमारे अर्थ तक कैसे सैंपल्स को सेंड करेगा। मतलब यार मार्स तो हमसे इतना ज़्यादा दूर है, तो उससे सैंपल्स को लाना तो इम्पॉसिबल होगा, राइट? तो इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा आसान है। नासा के पास और भी स्पेसक्राफ्ट मौजूद है, तो नासा इसी स्पेसक्राफ्ट को सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए सेंड करने वाला है। और यही जो स्पेसक्राफ्ट हैं वो सैंपल्स को कलेक्ट करके हमारे अर्थ में वापस ला लेंगे, और जिसका साइंटिस्ट अच्छे से एनालिसिस करेंगे। और इन मशीन्स को मार्स पर ले जाना इसीलिए इम्पॉसिबल है क्योंकि इन मशीन्स का वेट बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसे कैरी करना इम्पॉसिबल हो सकता है। नासा इस मिशन के इस्तेमाल में एटलस 5 नाम के रॉकेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रॉकेट है, उसका इस्तेमाल करने वाला है। और इस मिशन को कैप कैनेवेरल एयरफोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से लॉन्च किया जाएगा, और यही इसकी लॉन्चिंग साइट है। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्स पे लाइफ हो सकती है, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा कि क्या मार्स पे लाइफ बसाया जा सकता है। वेल, इस क्वेश्चन का आंसर मार्स 2020 रोवर ढूंढने वाला है, और हमें क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी मार्स पे बस्ती बचाने के लिए, वो चीज़ें यही मार्स 2020 रोवर ही हमको बताएगा। और इसमें एक चिप का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आपका, मेरा, हमारा, हम सब का नाम एक कोड के जरिए लिखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका नाम भी इस चिप में लिखा जाए, तो आपको बस नासा के ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर विजिट करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतने लोगों ने पहले से ही अपना नाम सबमिट कर चुका है। और अपना नाम को मार्स में सेंड करने के लिए बस आपको एक छोटा सा फॉर्म फिल करना होगा, जिसमें आपको अपना नाम, अपना सरनेम, आप कौन से कंट्री में रहते हो और आपका पिन कोड क्या है और आपका ईमेल एड्रेस क्या है, वो सारी चीज़ों को इसमें आपको फिल करना होगा। और फिल करने के बाद आपका फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो बस आपको लास्ट स्टेप करना है, जिसमें आपको बस ये सेंड माई नेम टू मार्स पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, तो आप कुछ इस तरह के पेज पर पहुंच जाओगे, और आपको कुछ इस तरीके का एक लिखा हुआ मिल जाएगा, योर नेम इज रेडी टू फ्लाई विथ मार्स 2020 रोवर। ट्रांसलेशन इन हिंदी, आपका नाम रेडी है मार्स 2020 रोवर के साथ फ्लाई करने के लिए इनटू द मार्स। और इस इमेज को आप डाउनलोड करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी सेंड कर सकते हो। तो जैसे ही आप इस पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे, देन आपको एक फ़ोटो मिलेगा अपने नोटिफिकेशन बार पे। तो बस आपको इस इमेज पे टैप करना है और आप कुछ इस तरीके के पेज पर पहुंच जाओगे। ये प्रूफ है कि आपका जो नाम है वो मार्स पे जा रहा है। और इस बोर्डिंग पास में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी जो कि मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बताया है। और जैसे ही ये मार्स 2020 रोवर का मिशन कंप्लीट हो जाएगा, हम अपने मिशन यानी कि मार्स पे बस्ती बसाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। सो इस मार्स 2020 रोवर को सपोर्ट करने के लिए अपनी राय नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। बाय द वे, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके उस नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करना। एंड थैंक्स फॉर 100 सब्सक्राइबर्स, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे चैनल को ग्रो करने वाला है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा, इसीलिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि उनको भी ये अमेजिंग नॉलेज मिल सके। एंड देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।